हाथरस सत्संग भगदड़, एक त्रासदी की कहानी। घटना का संक्षिप्त विवरण। हाथरस उत्तर प्रदेश में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भोले बाबा के सत्संग में अचानक मची भगदड़ से युक्त सेक्स लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे राज्य और केंद्र सरकार को भी झकझोर दिया। भगदड़ की वजह मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार सत्संग कार्यक्रम के लिए 80,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन भीड़ उससे कहीं अधिक हो गई। भारी भीड़ के दबाव के कारण भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के लिए मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2003 की धारा 15, 126, 223 और 230 कंडाइट के तहत FIR दर्ज की गई है। घायलों का उपचार आगरा, अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। NDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पतालों में डॉक्टरों की 3 टीमें तैयार है और पंचनामा के लिए बस पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मृतकों की पहचान और पोस्टमार्टम। इस भगदड़ में 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों की पहचान के लिए शवों को आगरा, अलीगढ़ और हाथरस के पोस्टमार्टम हाउस में भेजा गया। पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम के बाद उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। कई लोग अपने परिजनों को ढूंढने के लिए विभिन्न अस्पतालों और पोस्टमार्टम हाउस के चक्कर काट रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस त्रासदी के बाद हाथरस पहुंचने वाले हैं। उन्होंने ADG और कमिश्नर के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की है जो 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने घायलों का समुचित इलाज कराने और मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करने का वादा किया है। सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस घटना पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने प्रतिक्रिया दी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मृतक दलित समुदाय से और सरकार को इन मौतों की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगनी चाहिए। भविष्य की कार्रवाई। इस भगदड़ की घटना के बाद सरकार ने आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। निष्कर्ष। हाथरस की ये भगदड़ एक त्रासदी है जिसने न केवल मृतकों के परिजनों को अपार दुख पहुंचाया है बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में हुई लापरवाही ने एक बार फिर से हमें इस बात का एहसास कराया है कि किसी भी सार्वजनिक आयोजन में सुरक्षा और प्रबंधन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार और प्रशासन को ऐसे शपथ लेकर भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।